नमस्कार, पल पल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं राजेंद्र मित्तल की रतिया से ये रिपोर्ट। नशे के तस्करों को पकड़ने के लिए विशेष नारकोटिक सेल का किया जाएगा गठन। गांव मेहमड़ा में आज ग्राम पंचायत द्वारा पुलिस प्रशासन के सहयोग से नशा मुक्ति सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक दीपक सारण ने भाग लिया, जबकि अध्यक्षता गाँव के सरपंच रंगा सिंह ने की। पुलिस अधीक्षक दीपक शार ने स्कूल में पहुंचने पर सर्वप्रथम त्रिवेणी का पौधा लगा करके पौधा अभियान की शुरुआत की। नशा मुक्ति सेमिनार से पूर्व पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसपी दीपक शार ने कहा कि जिले के अंदर नशे को समाप्त करने के लिए जिला पुलिस ने कड़े कदम उठा रखे हैं और नशीले पदार्थों के खात्मे के लिए पुलिस द्वारा विशेष नारकोटिक सेल का गठन किया गया है, जो कि नशे के तस्करों को पकड़ करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। साथ ही नशे की रोक लगाने के लिए पुलिस टीमों द्वारा विशेष रूप से पंजाब के साथ लगते क्षेत्रों में रेगुलर गश्त की जाती है और नशा मुक्ति सेमिनार प्रत्येक गांव में लगाए जा रहे हैं। इसी दौरान सेमिनार में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक दीपक सारण ने कहा कि नशा व्यक्ति को किसी भी ऊंचाई पर लेकर के नहीं जाता, बल्कि घरों को बर्बादी की ओर ले जाता है। नशा व्यक्ति को ही नहीं पूरे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाता है। यह राष्ट्रीय निर्माण में बहुत बड़ा बाधक है। युवाओं को चाहिए कि वे नशे से दूर रहकर समाज व राष्ट्र के नव निर्माण में अपना सहयोग दें। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान करते हुए कहा कि ग्रामीणों को अपने बच्चों को नशे से बचाने के लिए विशेष कदम उठाने पड़ेंगे और इसके लिए क्रियाकलापों पर विशेष नजर रखी जानी चाहिए। पुलिस अधीक्षक ने जिला में कन्या भ्रूण हत्या और नशे के सौदागरों को हमेशा के लिए खत्म करने का पुलिस विभाग द्वारा अथक प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज के आधुनिक दौर में युवाओं को नशे की तरफ रुझान बढ़ रहा है, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। वे युवा जिसे हम देश की शक्ति मानते हैं और जिस पर देश का उज्जवल भविष्य टिका है, युवा का नशे की गर्दिश में फंसना समाज व राष्ट्र के नवनिर्माण में बाधा उत्पन्न करता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई नशे की आदत से छुटकारा पाना चाहता है तो सरकार तथा प्रशासन द्वारा नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं, वहां पर जाकर वे अपना मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान नशे के खिलाफ पंजाबी गायक कलाकार जग्गी खान ने नशे पर अपने गीत प्रस्तुत किए और गांव भुंदड़वास के कलाकारों ने नशे पर नाटक प्रस्तुत किया। आप देख रहे हैं पलपल की एक खास रिपोर्ट। करेगा यहाँ पर सभी लोग आए हैं तो मैं ये चाहूंगा कि अपनी बेटी बहनों, अपने परिवार में सदस्य जितनी भी लेडीज हैं, उन सबका सम्मान करें, उनके लिए अपने हृदय में एक ऐसी जगह रखें जो किसी देवी के लिए रखी जाती है। यहाँ भी एक और विकराल समस्या है, कन्या भ्रूण हत्या की। लिंग की जांच करा के पैदा होने से पहले ही बच्ची को मार दिया जाता है, जबकि आज की डेट में अगर कोई घर का नाम रोशन करती है तो वो बच्ची लड़कों से ज्यादा करती है। मैं तो ये कहता हूं, ये जो हमारे यहाँ पर हमारी बेटियां बैठी हैं, ये सब चांद सितारे हैं जो कि आगे चल के इस गांव का, आपके परिवार का, पूरे देश का नाम रोशन करेंगी। जो नशों को लेकर जागरूक कैंप लगाया गया, मेन उद्देश्य क्या है इसका? मेन उद्देश्य यही है कि हमारा समाज, इसका उद्देश्य यही है कि हमारा समाज, हमारी नौजवान पीढ़ी नशे के दंश से, नशे के प्रकोप से बची रहे, इससे दूर रहे और एक साफ स्वस्थ जीवन जिए। सर, जिस तरह स्मैक का पिछले काफ़ी दिनों से प्रचलन हो रहा है, पंजाब सीमा के आसपास तस्करी हो रही है, अंदर जागरूकता सबसे पहले ज़रूरी है कि लोग नशे से दूर रहें। बाकी जहाँ तक धरपकड़ की बात है, पुलिस उसके लिए रेगुलर गश्त, अलग से नाकाबंदी और एक नारकोटिक सेल का अलग से गठन किया गया है, जिसके थ्रू ये इंश्योर किया जाएगा कि कोई भी नशा बेचने वाला हमारे राज्य में, हमारे देश में किसी प्रकार का गलत कार्य ना कर सके, हमारी नौजवान पीढ़ी को ना बिगाड़ सके। सर, जो नशा करते हैं उनको छुड़वाने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं? इसके लिए एक फतेहाबाद में डी एडिक्शन सेंटर शुरू किया गया है अभी हाल ही में, और वहाँ पर लोगों को यही जागृत किया जा रहा है कि अगर किसी को नशे की लत है तो वहाँ पर आकर उसका इलाज कराएं और उसको इस सेवा का लाभ दिलवाएं। सर, जो ये नशा मुक्त कार्यक्रम आपने चलाया है, पहले कमाणा गांव में आयोजित किया था, आज मेमड़ा में, क्या इसको आगे किसी अन्य गांव में भी चलाया जाएगा? हाँ, ये जो हमारे पंजाब राज्य के साथ लगती हुई जितनी बॉर्डर है उसके सभी गाँवों में इस प्रकार के दौरे किए जाएंगे और जनता को जागरूक किया जाएगा। साथ ही यह भी कोशिश की जाएगी कि जनता का सहयोग लिया जाए, जो इस प्रकार का काला काम करते हैं
उनके बारे में जानकारी जुटाकर और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर ऊपर की हमारे पास उनके खिलाफ कुछ हमें सुराग मिला है, हमारी CIA टीम लगी हुई है और इसको जल्दी ट्रेस आउट कर। CCTV फुटेज भी आ रहे हैं सर उनके सामने। ये हमारी CIA टीम लगी हुई है और आपको जल्दी इसके अंदर उम्मीद है कि हम बहुत